हेलो गाइस, मैं उमर शरा गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, आज हमारे पास है नई वाली हीरो की सुपर स्प्लेंडर का एक्सटेक वाला वेरिएंट। ये जो एकदम टॉप एंड वाला वेरिएंट है। इस गाड़ी को आप देखोगे, आपको देखने में काफ़ी पसंद आएगी। इस गाड़ी के स्टिकर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है और जो ये रेड कलर है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाड़ी देखने में। बाकी इस गाड़ी में आपको मोर देन 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी का एक्सरूम प्राइस 85,200 से स्टार्ट हो जाता है, अप टू जो है 89,500 तक जाता है। ये ऐसे टॉप एंड वाला वेरियंट है तो इसका जो हाइएस्ट प्राइस रहेगा। बाकी इसमें आपको डिस्क ऑप्शन मिल जाता है, i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है और उसके साथ में एक ये जेट ब्लैक कलर भी आता है और ये भी देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ये रेड कलर है ऐसे उभर के आता है थोड़ा कलर, तो ये चीज़ है। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, पूरा फुल LED वाला हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, बहुत अच्छा कम्फर्ट मिल जाता है, फीचर मिल जाता है और माइलेज वगैरह भी मिल जाता है। बाकी फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में आपको कुछ ऐसा वाइजर देखने मिल जाता है। हीरो का एम्बलम पूरा आपको 3D मिल जाता है। बाकी आप देखोगे जो साइड मास्क है ये पूरा बॉडी कलर्ड है और इस पर प्रॉपर आपको ग्रे कलर के स्टिकर्स मिल जाते हैं। और इसमें सामने आप देखोगे ना, इसके हेडलाइट को जो है सराउंड कर रहा है क्रोम, तो ये देखने में बहुत अच्छा आपको लगेगा। पूरा LED वाला हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। टर्न सिग्नल जो है ये आपको हेलोजन मिल जाते हैं। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है। और इसमें आप देखोगे मडगार्ड का डिज़ाइन भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखा गया है। उसके साथ में इसमें आपको डिस्क ऑप्शन मिल जाता है, ड्रम का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आप देखोगे एलॉय के बाजू में भी आपको प्रॉपरली स्टिकर्स लगे हुए मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 80x100x18 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। बाकी 18 सेक्शन के टायर है तो इसको आप जो लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मीटर कंसोल की अपन बात करते हैं, इसमें आपको पूरा फुल डिजिटल वाला मीटर कंसोल मिल जाता है। चाबी इस गाड़ी कुछ आपको ऐसी देखने मिल जाएगी, थोड़ी सी बड़ी देखने में लगती है। इसको भी मैं चालू करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा अपना मीटर कंसोल चालू हो जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे अपना कॉल इसमें सलर्ट वगैरह देख सकते हो। बाकी हेलो माई हीरो करके ऐसा जो है इसमें स्टार्टिंग में वो सब आ जाता है। बाकी स्पीड जो है बहुत बड़े फॉन्ट में दिखाता है, आप देख सकते हो जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी साइड में जितनी है वार्निंग्स दिखा देता है, सर्विस ड्यूटिकेशन हो गया, रियल टाइम माइलेज हो गया, i3s टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और इसमें जो है फीचर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। बाकी इसमें हैंडल बार कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। पास लाइट मिल जाती है और इसमें स्विचेस की क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाएगी। इस गाड़ी का क्लच वगैरह काफ़ी लाइट है। बाकी इसका साइड मिरर का डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो, जो आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाता है। i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ऐसा हैंडल बार था। बाकी इसके टैंक की बात करते हैं, इसमें आपको जो है 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसमें फ्यूल कैप वगैरह आप देख सकते हो। इसके टैंक की डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आएगी, सुपर स्प्लेंडर आपको पूरा 3D में लिखा हुआ मिल जाता है, स्टिकर नहीं है, ये प्रॉपर आपको 3D क्रोम वाला अलग से आपको लगाया गया है। उसके साथ में जो इसमें स्टिकर्स वगैरह है ना, ये टैंक से स्टार्ट होते होते एकदम एंड तक जाते हैं बॉडी के पीछे तक, और ये भी देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। ग्रे और वाइट कलर के स्टिकर्स का कॉम्बिनेशन है और जो ये रेड कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सच में बता रहा हूँ। जैसा वीडियो में दिख रहा है शायद उससे भी ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा जब आप गाड़ी जा करके देखोगे। बाकी i3s टेक्नोलॉजी की बैजिंग मिल जाती है, एक्सटेक लिखा हुआ मिल जाता है, FI की आपको यहाँ बैजिंग मिल जाती है साइड में जो टूल बॉक्स है, और उसके ऊपर भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी में आपको किक देखने मिल जाती है। और इंजन की अगर मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी में आपको 124.7 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 10.84 PS की पावर और भाई 10.6 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल कर देगा। इस गाड़ी में 5 गियर मिल जाते हैं, गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट भी जो है एकदम स्मूथ वाला है, जैसे शाइन में आता था ना पहले वैसा वाला है, ऐसा एकदम ऐसे बेस टाइप का या इस टाइप का कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंट और स्मूथ वाला इसमें आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। बाकी साइलेंसर के ऊपर ही आपको प्रॉपरली कवरिंग मिल जाती है मेटल की, वो चीज़ है। बाकी साइड पैनल आप देख लो एकदम प्लेन सा है, ज़्यादा स्टिकर्स वगैरह है नहीं, जितने भी स्टिकर्स है बहुत मिनिमल से किए गए हैं। 793 mm के आसपास की सैडल हाइट मिल जाती है और इसकी सीट हाइट अच्छी है, अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो भाई बहुत प्यार से इस गाड़ी को चला लोगे, कोई भी इशू नहीं होगा, ये चीज़ है। बाकी इस गाड़ी को फ्रंट से दिखा देता हूँ, फ्रंट से ऐसे कुछ रियर तो कुछ ऐसी आपको देखने मिलेगी। इसका रियर वाला सस्पेंशन जो है बहुत सॉफ्टर साइड पे है, तो आप जैसे बैठोगे गाड़ी में तो गाड़ी आराम से दब जाती है, गड्ढों में बिल्कुल जोर नहीं पड़ता है। टेल लाइट, टर्न सिग्नल वगैरह जो है पूरे आपको हेलोजन मिल जाते हैं। बाकी मडगार्ड वगैरह जो एकदम सिंपल सा मिलता है देखने के लिए। साइड में आपको यहाँ पे कीहोल प्लेसमेंट मिल जाएगा, जिससे अपनी सीट वगैरह भी आप ओपन कर सकते हो। सारी गार्ड वगैरह काफ़ी बड़े साइज का मिल जाता है। बाकी इसमें चेन कवर वगैरह पूरा आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ मिल जाता है। फुटेस्ट वगैरह की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी और इसका सस्पेंशन वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। 180 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस गाड़ी का एक ओवरऑल वेट जो है 122 kg के आसपास का मिल जाता है। बाकी कैसी लगी आपको गाड़ी, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये 125 cc की एक ऐसी बाइक है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आपको पता है सुपर स्प्लेंडर जो है जैसे पुराने टाइम से बहुत टाइम से चलती आ रही है ना, अभी भी लोग उसको रखते हैं और गाड़ी भाई बहुत अच्छे चलती है। इस गाड़ी को आप चलाओगे आपको इसका पावर पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। टॉप एंड इस गाड़ी का आपको डिसेंट मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी का
पिकअप अच्छा है, मिड रेंज अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा और कंफर्ट भाई सच में काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। इसकी सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी टाइप की सीट मिल जाती है। फीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है तो आप उसमें देख सकते हो, फुल डिजिटल वाला मीटर कंसोल आ जाता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहा हो, एजेंसी की डिटेल्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दिया, वहाँ जाकर के देख सकते हो, जाकर के देखो, गाड़ी चला करके देखो, फिर डिसाइड करो, तो आप लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मिलते हैं मैंने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।